तो दोस्तों, आज अप्रैल की 16 तारीख है और आज हम गर्मी के एक बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट हिबिस्कस गुड़हल की बात करते हैं। ये मेरा वाइट कलर का हिबिस्कस प्लांट है जिस पर फ्लावरिंग बहुत सारी आई हुई है। आप देख रहे हैं हर ब्रांच पे बहुत सारे फ्लावर लगे हैं और साथ ही साथ बहुत सारी बड भी बनी हुई है। हिबिस्कस की दो वैरायटी आती है, एक देसी और एक हाइब्रिड वैरायटी। देसी वैरायटी पर रेड कलर के फ्लावर आते हैं और हाइब्रिड वैरायटी के फ्लावर कई रंगों में आते हैं। हिबिस्कस का प्लांट पूरी गर्मी आपको फ्लावर देता रहेगा। तो आइए आज हम बात करते हैं हिबिस्कस की केयर की और ढेरों फूल लेने के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र अपने हिबिस्कस प्लांट को दें। पहली बात प्लांट के सॉइल की करते हैं। तो आप जब भी हिबिस्कस प्लांट के लिए सॉइल तैयार करें तो 50% गार्डन सॉइल, 40% कंपोस्ट और 10% सैंड मिलाकर तैयार करें। दूसरी बात प्लांट के पॉट साइज की करते हैं। अगर आप नर्सरी से प्लांट लेके आ रहे हैं या फिर प्लांट की आपने कटिंग लगाई है तो आप पहली बार में ही बड़े पॉट का इस्तेमाल ना करें। पहले प्लांट को छोटे पॉट में लगाएं और बाद में इसकी रीपॉटिंग करके साइज को बड़ा करते रहें। रीपॉटिंग की बात करें तो आपने विंटर के बाद फरवरी या मार्च में इसे रीपॉट कर दिया होगा। अगर अब आपने इसे रीपॉट नहीं किया है तो अब आप इसे रीपॉट ना करें, आप वेट करें सितंबर का। सितंबर में आप इसे रीपॉट कर सकते हैं। मैंने भी इस विंटर में इसे रीपॉट नहीं किया और इसकी रूट बहुत ही डेवलप हो गई है। इस बार मैं सितंबर में इसे रीपॉट करूंगा। तीसरी बात सनलाइट की करते हैं। इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में भी आप रखेंगे तो प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। यह एक समर का प्लांट है इसीलिए इसे डायरेक्ट सनलाइट पसंद है। इसे आप 6-7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट दें तब भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। चौथी बात वाटरिंग की करते हैं। समर में पॉट की मिट्टी जल्दी ड्राई हो जाती है तो इसे आप पर डे वाटरिंग करें क्योंकि आपका प्लांट फुल सनलाइट में है। लेकिन अगर आपने प्लांट को ऐसी जगह रखा है जहां पर 2-3 घंटे की धूप आती हो तो आप सॉइल को चेक करें, नमी ना रहने पर ही वाटरिंग करें। कभी कभी प्लांट की लीफ आपको येलो दिखाई देने लगेगी, येलो होकर लीफ गिरने भी लगती है तो आप चेक कर लें, ऐसा कम वाटरिंग के कारण होता है। तो आप चेक करके वाटरिंग प्लांट को रेगुलर करें। पांचवी बात हम करते हैं प्लांट पर डिजीज की या इंसेक्ट अटैक की। तो प्लांट पर एक कॉमन इंसेक्ट अटैक मिलीबग का होता है। ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ये मिलीबग है। मिलीबग के कारण प्लांट आपका ड्राई होने लगेगा, ग्रोथ इसकी रुक जाएगी। तो इसके लिए आपको हर 20 दिन पे नीम ऑयल का स्प्रे अपने प्लांट पर करना है या फिर आपके प्लांट पर जब इनका अटैक हो गया है तो आप इमिडाक्लोपिड का स्प्रे प्लांट पर करें। और अब सबसे ज़रूरी बात और छठवीं बात फर्टिलाइज़र की करते हैं। इस प्लांट को आपको क्या फर्टिलाइज़र देना है? तो विंटर के बाद जब इसकी ग्रोविंग पीरियड है तो आप इसे वर्मी कंपोस्ट हर महीने देते रहें। 150 से 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट आप प्लांट की सॉइल में देते रहें, इससे इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। वर्मी कंपोस्ट तो हिबिस्कस के लिए एक बेस्ट फर्टिलाइज़र तो है ही, साथ ही साथ इस प्लांट के लिए पोटेशियम बहुत ही ज़रूरी है। पोटेशियम के लिए आप केले के छिलकों को सुखा करके उसे पीस करके इसकी सॉइल में मिलाकर प्लांट को दे दें। फॉस्फेट की बात करें तो इस प्लांट को फॉस्फेट बहुत नहीं चाहिए। तो एक बार अगर आपने DAP से दे दिया तो वह बहुत है।
दो प्लांट आपके एक बोगनविलिया और एक हिबिस्कस, इन दोनों प्लांट को फॉस्फेट की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। ये देखिए, ये काउ डंग कंपोस्ट है जिसे मैं हर 20-25 दिन में प्लांट को देता रहता हूँ। तो आपको अब दिखाते हैं कि अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र आपको कैसे और कब देना है। फर्टिलाइज़र देने के लिए आप या तो सुबह दें या शाम को दें। ये देखिए, ये पहला फर्टिलाइज़र केले के छिलके का है जिसे मैंने पीस कर तैयार किया है। दूसरा यह फर्टिलाइज़र पोटास है जिसे प्लांट को देना बहुत ही ज़रूरी है। अगला ये फर्टिलाइज़र सरसों की खली का है जिसे मैंने पीस कर तैयार किया है। इसका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर प्लांट को दें। और यह है इप्सन साल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट, इसको, और यह है एनपीके 90-90-90। इन दोनों को, इप्सन साल्ट और एनपीके को साथ में मिलाकर प्लांट की सॉइल में दें और साथ ही साथ प्लांट पर सावरिंग भी करें। यह डीएपी है जिसे मैंने पहले भी बताया है कि डीएपी प्लांट को बहुत नहीं चाहिए, तो इसकी आप कुछ मात्रा, कुछ ही दाने पॉट के हिसाब से एक बार अपने प्लांट में ही दे दें। अगला फर्टिलाइज़र आप ये केले के छिलके का सॉयल में आप डायरेक्ट से किनारे किनारे पॉट में दे दें। और ये तीसरा पोटास भी आप प्लांट की सॉयल में दे दें। इन तीन फर्टिलाइज़र को आपको डायरेक्ट प्लांट की सॉयल में देना है। और ये चौथा फर्टिलाइज़र सरसों की खली का, इसे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके प्लांट को दें। अब अगला फर्टिलाइज़र आप एनपीके और इप्सन साल्ट को मिलाकर तैयार कर लें। इसकी 3-3 ग्राम मात्रा ही लेकर आप इसे तैयार करें और प्लांट की सॉइल में आप बहुत अच्छी तरह से एकदम सॉइल भर के वाटरिंग करें और साथ ही साथ प्लांट पर आप स्प्रे भी या सावरिंग इससे कर दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।